देसी ठाट में मैंने स्टे करा है। मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ आया हूँ और यार प्रॉपर्टी मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कि भैया हमारे भैया हैं यहाँ पे, भैया से थोड़ी इन्फॉर्मेशन लूँ कि यार कैसे यहाँ पर फॉर्म, जैसे मैंने तो कॉल करके डायरेक्ट बुक करा था, और क्या वे है बुक करने का यहाँ पे, और क्या क्या यहाँ पे चीज़ें हैं वो थोड़ी भैया इस बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे। पहले तो भैया आपसे बहुत अच्छा लगा मिलके। एक चीज़ मेरे को पूछनी थी, जैसे मैंने तो आपको कॉल करके बुक कराया था, और क्या क्या तरीके से कर सकते हैं बुकिंग करने का? तो डायरेक्ट अपन कॉल करके थ्रू कॉल करके बुकिंग करते हैं, वो सबसे बेस्ट है। इसके अलावा अपना मेक माई ट्रिप है, गो आई वीवो है, अगोड़ा पे है, booking.com पे है, ऐसे सारे पोर्टल्स पे है। तो आप मेक माई ट्रिप, आई वीवो, अगोड़ा वगैरह कहीं से भी जाके बुक कर सकते हो, आपको अच्छी डील भी मिल जाएगी वहाँ पे, डायरेक्ट भी कॉल करके भी कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे सबसे बढ़िया चीज़ है, जैसे मैंने लंच डिनर वाला पैकेज ले रखा है, तो आप भी कुछ अपना सब छोड़ छाड़ कर आओ, यहीं पर ही लंच करो, यहीं पर ही डिनर करो, सब चीज़ें यहाँ पे। और मैंने इनका बुफे ट्राई करा, बहुत ही लेविश, बहुत ही टेस्टी फूड था इनका। और यार एक चीज़ बताओ कि मैं तो दिल्ली से आया हूँ, कोई जयपुर से आना चाहता हूँ, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन क्या पड़ती है? अलवर सिटी से 15 किलोमीटर पहले है, मतलब जयपुर और दिल्ली के मिड में बना हुआ है, बीचों बीच। बिल्कुल दिल्ली और जयपुर का 300 किलोमीटर का रास्ता है, बिल्कुल 150 किलोमीटर में पड़ती है, तो बिल्कुल मिड में पड़ती है, आप चाहे दिल्ली से हो चाहे जयपुर से हो, बिल्कुल बीच में आपको 150 ही पड़ना है। तो कनेक्टिविटी वाइज बहुत सही है। मैंने आपका मुंबई एक्सप्रेस में पकड़ा और मैं सीधा यहाँ पे आया बहुत जल्दी भाई, डेढ़ घंटे में दिल्ली से यहाँ पे आ गया था। तो बेस्ट स्टेशन है, डेढ़ घंटे के अंदर आपको इतनी बढ़िया जगह मिल रही है। अभी आपको दिखाऊंगा एक चीज़, पीछे पूरी इनकी पर्सनल रिवर है, बहुत बड़ी पीछे रिवर है, पूल इनका इन्फिनिटी पूल है जो बहुत शानदार लगता है आपको, सारे वो शॉट्स देखना। एक चीज़ बताओ यार, जैसे अब तो मेरी शादी हो गई, वेडिंग अगर कोई यहाँ पे अपनी डेस्टिनेशन वेडिंग वगैरह करना है तो आप सब कर देते हो? बिल्कुल, डेस्टिनेशन वेडिंग कराते हैं। टोटल हमारे पास में 35 रूम्स हैं इस प्रॉपर्टी के अंदर। 35 रूम्स हैं भाई, 35 कोटेज में बनी हुई प्रॉपर्टी। डेस्टिनेशन वेडिंग कराते हैं, पर ईयर वेडिंग होती है समथिंग 35-40 वेडिंग कर रहे हैं पूरे साल की। तो यार किसी को भी डेस्टिनेशन वेडिंग करनी हो आपको मैं अभी दिखाऊंगा व्यू, चारों तरफ हिल है, पीछे रिवर है, इनका पूल है, बहुत सही डेस्टिनेशन है। तो आप लोग आओ यार यहाँ पे, इनको बुक करो, भैया अच्छा डिस्काउंट कर देंगे, थोड़ा हमारा रेफरेंस दे देना, आपको अच्छा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे आओ, आपको बाकी शॉट्स वगैरह दिखा रहा हूँ इनके पूल वगैरह का, पीछे रिवर पे भी जाएंगे, पूरे दिन मस्ती करेंगे, आपको एक शॉट दिखाएंगे। तो आगे चलो। तो यार मैं अभी आया हूँ, बेस्ट व्यू आता है, लिटरली बेस्ट व्यू आता है, ऐसा लग रहा है मेरे को मैं कहीं ले लद्दाख की किसी प्रॉपर्टी में आया हूँ। बिल्कुल पीछे मेरे रिव्यूर है, उसके पीछे आप देखो अरावली हिल्स, और बहुत ही सीनिक व्यू है, बहुत ही अच्छा व्यू है। आप सिली सर ले गए बोटिंग जो अंदर 400 क्रोकोडाइल है, तो थोड़ा देख के जाना भाई, क्रोकोडाइल वगैरह तो थोड़ा बच के। बाकी रिवर बहुत ही अच्छी है, बहुत ही शानदार है, बहुत ही सुंदर है। आप यहाँ पे आओगे तो ये तो एक तरीके से आपको फ्री बोनस मिल रहा है, ये इतना बढ़िया रिव्यू मिल रहा है, ये तो फ्री बोनस है आपके लिए। एक बात और, मेरे को भैया से पूछा था कि यहाँ पे रूम कितनी कैटेगरी, क्योंकि यहाँ पे छोटा बड़ा बहुत सारे तरीके रूम मेरे को दिख रहे हैं, कितनी कैटेगरी है भैया? क्वालिटी वाइज, फूड वाइज, सब चीज़ों में